आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट लो सामो। हजरत जर्जीस अलैहि सलाम का जमाना था, सामो हाथ में वक्त जो बड़ा डिक्टेटर था, बल्कि यहाँ तक उसने अपने रब होने का ऐलान कर रखा था। कैसा है चवला आदमी। बरकतें जब बंद होने लगी, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी। ये तो आड़ी अपनी कीतियां अगे आई हैं। तो लोगों ने अपने बादशाह से कहा कि बारिश का बंदोबस्त करो। मैं अभी कहानी करके बता देता हूँ उसे। अब उसे खबर है कि मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैंने लोगों से फ्रॉड किया हुआ है। बेशरम आदमी। उसने एक चिट्ठी लिखी रब्बे सुल जलाल के नाम। ना झूठ बोल रहे आप। और हजरते जर्जीस अलैहि सलाम के दरबार में चला गया और कहा, जर्जीस तुम रब के नबी हो, जब तुम्हारी रब से मुलाकात होती है मेरी ये चिट्ठी अपने रब को दे देना। अस्तग़फिरुल्लाह। हजरत जर्जीस अलैहि सलाम ने चिट्ठी खोल के देखी, उसमें ये लिखा था कि तुम्हारा रब बारिश बरसाए, अगर वो बारिश नहीं बरसाएगा तो माज़ल्ला। इतनी बड़ी गुस्ताखाना तहरीर थी। लिखा था, मैं तुम्हारे रब पे ऐसा हमला करूंगा कि सारी मखलूक उसकी देखती रह जाए। कौन ये कह सकता है यार, लानत है। सुनाने लेते भी, सुनने लेते भी। माज़ल्ला। हजरत जर्जीस अलैहि सलाम का इस वक्त उनकी रब से मुलाकात हुई, हालांकि रब तो खत का मोहताज नहीं, वैसे जानता। कहा, जर्जीस मेरा खत दे दो। हजरत जर्जीस अलैहि सलाम झिझक महसूस कर रहे थे कि गुस्ताखी है इसमें, मैं क्यों दूं? देखो साढ़े मौलवी साहब, तुम भी तो वही कर रहे हो ना। रब्बे सुल जलाल ने कहा, नहीं, खत मेरा है, आप मुझे दे दे। अल्लाह ने पढ़ा तो खत में लिखा हुआ था, बारिश बरसा, अगर तू नहीं बरसाएगा तो तुझ पे ऐसा हमला करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। तो बाबे तो अपने बोझ इस्तेमाल के रखो, तो बुजुर्ग भी बोझ इस्तेमाल के रखो अपने। अब रब्बे सुल जलाल अगर चाहता तो उस बादशाह को जहां बैठा था जमीन में धंसा देता, उसे बंदर बना देता, उसे खिंजीर बना देता, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। फरमाया, मेरे जर्जीस तुम उस बादशाह के पास जाओ, हालांकि रब सीनों के राज भी जानता है। उससे जाके पूछो, अगर मैं बारिश नहीं बरसाता तो वो क्या कर लेगा। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने अगर दीन ना जमा किया होता तो दीन बर्बाद हो जाता। बर्बाद ही तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है। जो धमकी दे रहा है इस पर अमल कैसे करेगा, वो कहां चढ़ के मुझ पे हमला करेगा। वो बात करने वाली करें यार, कहां बैठे हुए अल्लाह से डर जाए। उसके पास ताकत कहां से आएगी, उससे जाके पूछो तो सही, हालांकि रब सब जानता है। हजरत जर्जीस अलैहि सलाम ने जाके पूछा कि मैंने तुम्हारा खत तो दे दिया है, मगर रब पूछ रहा है अगर मैंने बारिश ना बरसाई तो तुम क्या कर लोगे, कहां पहुंच के मुझ पे हमला करोगे, अपनी धमकी को अमली जामा कैसे पहनाओगे। तो उस सरकश आदमी ने भी एक तरीका सोचा हुआ था, कहने लगा, ऐ जर्जीस, मुझे मालूम है अल्लाह कामिल कुदरतों वाला है और मैं नाकिस हूं, मैं रब पर हमला नहीं कर सकता, मगर एक तरीका मुझे भी आता है। आज़ईतुहु बिअज़ियति औलियाइही। एक ओ अबू यजीद बुस्तामी ते ए अबू यजीद मौलवी, मैं अल्लाह के वलियों पे हमला कर दूंगा। बाबे ते शाही कोई नहीं, वली तो माहौल में रहते हैं ना, वली तो अर्श पे नहीं रहते, वली तो जमीन पे रहते हैं। और मैं ये जानता हूं कि इनका रब से जो ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत है, इन पर हमला रब पे हमला समझा जाएगा। ऐ विचू निकलता जाए ना थे। वो बात करने वाली करें यार, कहां बैठे हुए अल्लाह से डर जाए। लिहाजा मैंने जो धमकी दी है सोच समझ के दी है, अगर रब बारिश नहीं बरसाता मैं रब के वलियों को गालियां निकालूंगा और मैं रब के वलियों पे हमला कर दूंगा। माज़ल्ला, कैसे जालिम है यार। हजरत जर्जीस अलैहि सलाम अल्लाह के दरबार में पहुंच गए, हालांकि रब तो गुफ्तगू पहले भी सुन रहा था। जाके बताया, ऐ अल्लाह, उस कमीने बादशाह ने भी एक तरीका सोचा हुआ है। हाय हाय, देखे ना कितनी प्यारी लैंग्वेज यूज की। अगर तू बारिश नहीं बरसाएगा तो वो कहते तेरे वलियों पे हमला करके वो तुझ पे हमला करेगा। और सरकार तो आड़े बाबियां नु खंगन भी नहीं देना किसी ने। अभी अगर अल्लाह चाहता तो फरमा सकता था, जर्जीस हमला तब करेगा जब अगली सांस होगी, तो मैं तो अभी इसको मारता। बोल नहीं सकेगा, हमला कैसे करेगा, जहां बैठा है वही धनस्ता आएगा। ये सब कुछ हो सकता था, मगर रब्बे सुल जलाल ने उसको पूरा फ्री हैंड दे दिया और कहा, मेरे जर्जीस तुम जाके उस बादशाह को बताओ वो मेरे किसी वली को कुछ ना कहे, मैं आज ही बारिश बरसा देता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह, लअनतल्लाहि अल-काज़िबीन।
काश इन लोगों ने कुरान और हदीस टोटैलिटी में पढ़ा होता तो इन्हें पता होता। قل اے نبی تم فرماؤ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں ان جملوں کے بعد اگر میں یہ دھیمے سے انداز میں کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا رسول اور ہے، بابوں کا رسول اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، اور کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور، وکرا جہاں ہوتا ہے اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے۔